हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मैन्युफैक्चरिंग वीडियो, वो भी लाइव। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिस इज फ्रेम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट? फ्रेम है ये। अब एक फ्रेम से हमें क्या करना है, बहुत सारे फ्रेम्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो देखिएगा प्रोसेस, सी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम है और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत सारे फ्रेम्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पर देखो एक होल बनाया जा रहा है, राइट? इस होल में क्या करना है, जो लिक्विड फॉर्म में आयरन होगा उसको हम डालेंगे इस होल में, बाद में हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? देखो यहां पर ये जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, दिस इज अ फ्रेम। इस फ्रेम को हम क्या करेंगे, यहां से अब निकाल लेंगे तो जो स्पेस बचेगा वो बिल्कुल ही कैसा होगा, फ्रेम के ही स्ट्रक्चर का होगा। और जब इसमें हम लिक्विड के फॉर्म में आयरन डालेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये उसी शेप ले लेगा, ये फ्रेम का ही शेप ले लेगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम फिर उस फ्रेम को निकाल लेंगे यहां से, ठीक है? देखो यहां, देखो स्पेस बन चुका है फ्रेम के ही जैसा। नाउ अब यहां पर देखो, यहां जो बॉयलर है इसमें से क्या हो रहा है, यहां पर लिक्विड के फॉर्म में आयरन है, ये दिस इज आयरन, कास्ट आयरन। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो फ्रेम बनाया जाता है वो किसका होता है, वो कास्ट आयरन का होता है। अब देखना ये जो लिक्विड के फॉर्म में आयरन है इसको हम उस बॉक्स में डालेंगे, जिस बॉक्स में हमारा एक मॉडल है फ्रेम के जैसा। देखो इन सारे बॉक्स में फ्रेम का मॉडल है, उसमें हम इस लिक्विड फॉर्म के आयरन को डाल रहे हैं। वाओ, अब थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखो यहां, देखो एक फ्रेम मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है।
फ्रेम के ऊपर कुछ होल किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेम के ऊपर ही हमें इसका सर्किट लगाना है। उसके बाद एक कैपेसिटर को अटैच करना है, राइट, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसमें हम एक कैपेसिटर भी लगाएंगे। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रोटर हैं। ओके, अब इन रोटर को बनाया जाएगा स्क्वायरल केज रोटर, राइट। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होगा वो किस तरीके का होता है, स्क्वायरल केज टाइप होता है, तो इसको बनाया जाएगा एज अ स्क्वायरल केज टाइप, ठीक है। आगे देखते हैं अब। यहां देखो ये सारे के सारे जो हैं, ये सभी के सभी, ये सब क्या है, ये सब आर्मेचर हैं, या फिर आप कहो तो स्टेटर कह सकते हो, है ना। तो ये सभी जो आर्मेचर हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जो भी आर्मेचर होगा, जो आर्मेचर होता है वो 0.5 mm थिकनेस के लैमिनेशन से बने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि देखो जैसे कि यदि मैं इस आर्मेचर की बात करूं तो ये जो हमारा आर्मेचर है ना वो बहुत ही पतला पतला लैमिनेशन, 0.5 mm थिकनेस का लैमिनेशन है। लैमिनेशन मीन्स आप एक सर्कुलर डिस्क आप एज्यूम कर लो, राइट, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका थिकनेस है 0.5 mm, वो कहलाता है लैमिनेशन। तो इसी तरीके का बहुत सारा लैमिनेशन क्या किया जाता है, उन सभी को स्टैक किया जाता है, राइट, वो हमारा कहलाएगा आर्मेचर। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी इसके साथ जितने भी लैमिनेशन इसमें यूज हुए हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, पंच करके और फिर उसको स्ट्रांग बना देंगे, ठीक है। आगे देखो, यहां देखो पंचिंग मशीन है, और यहां पर आप क्लियरली देखोगे कि जब इसको पंच किया जाता है ना तो जो भी लैमिनेशंस हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो भी गैप होगा, वो सारा का सारा गैप देखो आप कम हो रहा है, आपको क्लियरली विजिबल आ रहा है। यहाँ देखो गैप सारे कम हो रहे हैं, राइट, और जो भी लैमिनेशंस हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा आर्मेचर बनता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर में वाइंडिंग करेंगे, लेकिन वाइंडिंग करने से पहले क्या करते हैं, जो हमने फ्रेम बनाया था उस फ्रेम में इस आर्मेचर को हम फिक्स करेंगे। देखिए दिस इज अ फ्रेम, वेट वेट वेट, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रेम और ये है आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर, राइट। फ्रेम में हमने आर्मेचर को फिक्स कर दिया। आर्मेचर को फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, आर्मेचर में वाइंडिंग्स डालेंगे जो कहलाता है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। नाउ सी, देखो आर्मेचर फ्रेम के अंदर फिक्स हो चुका है, अब बस इसमें हमें क्या करना है, वाइंडिंग्स डालने हैं। वाइंडिंग डालने के लिए इसमें कुछ इंसुलेशन पेपर भी पहले यूज करेंगे, जितने भी यहाँ पर आर्मेचर में आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हर एक स्लॉट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंसुलेटिंग पेपर है उसको हम सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लैमिनेशन सॉरी इसके ऊपर हम वाइंडिंग लगाएंगे। आर्मेचर इज रेडी नाउ। अब यहां पर देखो वाइंडिंग को बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली वाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह आपको ऑटोमेटिक मशीन मिलेगा जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स को सिर्फ आपको पुट कर देना है, उसमें जो इनपुट डेटा है इनपुट डेटा के रूप में आप नंबर ऑफ टर्न्स डालोगे कि एक वाइंडिंग आपका कितने नंबर ऑफ टर्न्स का होना चाहिए, क्या उसमें 100 टर्न्स चाहिए, तो आप 100 पुट करोगे तो वो जो हमारी मशीन होगी वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली 100 टर्न्स का एक वाइंडिंग बना के और फिर वो ऑफ हो जाएगा,
ठीक है, फिर से आपको आपको स्टार्ट प्रेस करना है तो एक दूसरी वाइंडिंग बनेगी जिसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मैन्युअली वाइंडिंग किए जा रहे हैं। कॉपर के वायर हैं ये, देखो इतने सारे वाइंडिंग्स हो गए हमारे पास, ठीक है, इतने सारे वाइंडिंग्स हैं। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, सी हियर, यहां पर, यहां देखिए, यहां पर यह एक कंप्लीट वाइंडिंग है, दिस इज वन वाइंडिंग, राइट। ये जो है ये है वन वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग को हम कैसे डालेंगे, ये जो हमारा वाइंडिंग है उसको हम कैसे डालेंगे, जो भी हमारा इंडक्शन मोटर होगा उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा एक वाइंडिंग है उसको हम डिफरेंट क्वाइल्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट। और डिफरेंट क्वाइल्स में डिवाइड करने के बाद उसको हमें क्या करना होगा, कुछ स्लॉट्स में हम उसको डालेंगे, ठीक है। एक स्लॉट में सारे क्वाइल्स को नहीं डालने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको पार्ट वाइज करके मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स में डालेंगे, वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, राइट। तो इंडक्शन मोटर में कौन से वाइंडिंग यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक फैक्टर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा, जो उस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के कंपैरिजन में कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सो देखते हैं यहां पर किस तरीके से हम इस वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो ये जो कंप्लीट है, दिस इज वन वन वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग था ये, हमने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक वाइंडिंग को हमने कितने स्लॉट्स में डाले हैं, आपको यहाँ से, अगर आप इसको, एक सेकेंड मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए इसको, मैंने इसको जूम किया है, अब आप इसको क्लियरली देखोगे कि इसमें फोर स्लॉट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो एक वाइंडिंग है उसको हमने कितने स्लॉट्स में डिवाइड किया है, फोर स्लॉट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, यही होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, राइट। आपने देखा यहां पर ये क्या है, दिस इज मेन वाइंडिंग, राइट, एक वाइंडिंग इसमें यूज हुआ है, दिस इज मेन वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट। इसके बाद अब हम इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी डालेंगे, राइट। जो मेन वाइंडिंग है और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, स्पेस डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसको आप देखना। देखो यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इसमें दो डिफरेंट वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। एक वाइंडिंग आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेन वाइंडिंग, राइट, ये है मेन वाइंडिंग। उसके बाद एक दूसरी वाइंडिंग आपको इसके आगे नजर आ रही है, ये क्या है, ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों कहाँ होते हैं, स्टेटर पे ही होते हैं, ठीक है। जो आर्मेचर है उसी में किया जाता है दोनों वाइंडिंग। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसके बीच में हम इंसुलेशन डाल देते हैं। उसके बाद फिर जितने भी वाइंडिंग्स हैं उन सभी को हम बांध देते हैं धागे की हेल्प से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इंसुलेशन डालना है। तो यहाँ पर वाइंडिंग्स में हम क्या डाल रहे हैं, इंसुलेशन डाल रहे हैं। अब देखो, देखिए यहां पर देखिए कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है,
नाउ दिस इज स्क्वायरल केज रोटर, है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायरल केज रोटर। जो इसमें इसके टीथ हैं यहां पर, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको स्क्वायरल केज जैसा ही लगेगा, स्क्वायरल केज रोटर। ओके, दिस इज स्क्वायरल केज रोटर। रोटर को हम अब इसमें फिक्स करेंगे। मोटर अब हमारा लगभग लगभग रेडी हो चुका है। अब यहां पर देखो, हम इसको टेस्ट करेंगे। मोटर तो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सिंगल फेज सप्लाई देके टेस्ट करेंगे कि क्या ये प्रॉपर रन कर रहा है या फिर नहीं। टेस्टिंग देख लीजिए। इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, ठीक है? अब इसको बस फाइनल टच देना है। यहां पर हमारा मोटर बनकर रेडी हो चुका है, अब सिर्फ हम इसको पेंट करेंगे। सब कुछ रेडी हो चुका है, अब इसको पैकिंग करना है, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।